हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी कढ़ी की रेसिपी। कढ़ी काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आता है और आज मैं इसे कचरी के साथ में बनाने जा रही हूँ। कचरी बहुत ही हेल्दी एक सब्जी है और इसमें फाइबर बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं और कहीं पर इसको कचरिया बोलते हैं, हमारे इधर इसको घुरमी बोलते हैं, अलग अलग नाम से ये बिकता है। तो इसे इस सीज़न में ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 250 ग्राम कचरी लिया है। कचरी आप जब भी लें तो पके हुए लें, कच्चे ना लें। कच्चे वाले बहुत कड़वे होते हैं और जब पक जाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगती है और इसमें खटास आ जाती है, तो ये खट्टी होती है। इसके बहुत सारे चीज़ बनते हैं। एक मैंने भुजिया की रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं, आगे भी मैं लेके आते रहूँगी। यहाँ पे हम कट करेंगे इसको, अच्छे से साफ़ कर लें, धो लें, उसके बाद इसको इस तरह से कट कर लें। तो पतले पतले स्लाइस में मैंने कट किया है इसको, पहले लंबे लंबे में कट किया, उसके बाद आप चाहिए तो इस तरह से राउंड राउंड में भी कट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत मोटा मोटा ना करें। यहाँ पे मैंने सभी को कट कर लिया है, साथ में मैंने एक प्याज भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है क्योंकि कचरी जो होता है वो भी खट्टा होता है, तो मीडियम खट्टा लें। इसमें मैं 2.5 चम्मच के आसपास बेसन डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें लगभग 1/2 छोटा चम्मच के आसपास हल्दी डाल दे रही हूँ। 2 पिंच हींग मैं भी डाल रही हूँ और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं कम ही डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर की कढ़ी नहीं पसंद है। इसको मैंने बड़े बॉल में कर लिया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पहले मिक्स कर लीजिएगा जिससे कोई लम्स ना रहे उसमें, उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो लगभग 1 लीटर पानी जाता है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया जिसमें 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1/4 छोटा चम्मच जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च डाली है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाला है मैंने कट करके, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ मैं अभी। साथ में 1/2 छोटा चम्मच खड़े धनिया होते हैं, उसको मैंने कूट के इसमें डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद मैं पहले प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को जस्ट मिक्स करना है, इसे हमें पकाना भी नहीं है। कचरी हम डाल देंगे, कचरी के साथ में हम इसे पकाएंगे, हमारा जो घुरमी है उसके साथ में हम इसे पकाएंगे और इसको भूनते रहेंगे। थोड़ा सा मैं नमक अभी डाल रही हूँ जिससे कि कचरी और जो प्याज है हमारा गल जाए और अच्छे से भून जाए। हमें इसको आधा कर देना है, देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से गल गई है। इस तरह का हमें इसे पकाना है, लाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गल जानी चाहिए, इतना हमें पकाना है। उसके बाद हम इसमें कढ़ी डालेंगे क्योंकि कढ़ी डालने के बाद ये बाद में पकता नहीं, इसलिए पहले ही हम इसे पका लेंगे घुरमी को, कचरी को। उसके बाद हम इसमें, हमने जो दही वाला बेसन वाला बैटर रेडी किया था उसे हम इसमें डाल देंगे, घोल जो रेडी किया था, और इसको हम पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक बेसन अच्छे से पक ना जाए। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें कि आप कितना गाढ़ा कढ़ी पसंद करते हैं खाना या कितना पतला। यहाँ पे कोई पानी का क्वांटिटी मैं नहीं बताऊँगी क्लियर, मुझे जैसा पसंद था उसके हिसाब से मैंने डाला है। इसमें मैं नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे भी हम कम से कम 6-8 मिनट के लिए पका लेंगे। मैं कढ़ी को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए पकाती हूँ, तो इसे कम से कम मैं 8 मिनट के लिए पकाई हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं इसकी कलर भी चेंज हो गई है, थोड़ी सी थिक भी हो गई है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसे गर्म कर लिया था। 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड सीड डाला, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला। इसी के साथ में 6 लहसुन की कलियाँ थी जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। 2 लाल मिर्च सूखी डाली है, 2 से 3 पिंच हींग मैंने वापस से डाला है क्योंकि कढ़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो जितना स्ट्रांग हींग हो उस हिसाब से डालें। इसमें मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च और मिर्च का पाउडर डाला है। तो तीखा किस हिसाब से खाते हैं वो अपने हिसाब से हमेशा रखें जो भी चीज़ बना रहे हों। और ये तड़का हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सा ये रेसिपी है लेकिन खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। बस ध्यान रहे कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो क्योंकि ये खुद भी खट्टा होता है। इसको हम इसमें डाल देंगे कढ़ी के अंदर। ये हमारा कढ़ी बनके रेडी हो गया है, घुरमी का कढ़ी, जिसको कचरी का कढ़ी भी बोल सकते हैं आप। इसको चावल के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी या फिर कुछ भी हल्का फुल्का चाहिए तो आलू का भुजिया खा सकते हैं। इसे रोटी के साथ में भी आप खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।